हाय गाइस, मेरे पास है कैनन का G7X Mark III कैमरा जो स्पेशल एक व्लॉगिंग कैमरा है, और उसके अलावा मेरे पास कुछ एडिशनल एक्सेसरीज है जिसमें कैनन का ट्राइपॉड भी उसके साथ में अटैच है, उसका एक ब्लूटूथ रिमोट अटैच है। उसके अलावा जो स्पेशल एक चीज़ है कैनन का माइक्रोफोन DME100। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला है कैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैमरा को ऑन कर लेते हैं। जैसे हम कैमरा को ऑन करेंगे, मेन्यू में जाना है, ये वाला जो मेन्यू ऑप्शन है वाईफाई कनेक्शन वाला, उसमें सबसे पहला वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप उसको सिलेक्ट करते हो, नीचे वाला मेन्यू है रिमोट वाला जिसमें आगे बी लिखा हुआ है, ओके सिलेक्ट करेंगे, पैर करना है। अब यहाँ पे आपको चेक कर देखना है यहाँ कैसे पैर करता हूँ। तो ये जो रिमोट है मैं उसको डिटच करने वाला हूँ यहाँ से। ये जो बटन है WNT, आपको दोनों को एक साथ ऐसे प्रेस करके रखना है, लाइट ब्लिंक होना चालू हो जाएगी और यहाँ पे ऑप्शन आ गया पेयरिंग का, मैं उसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये हो गया कनेक्ट। अब ये रिमोट हो गया कनेक्ट। अब इसके जो फीचर्स जो है रिमोट के, उसके बारे में लोग जान लेते हैं। यहाँ पे उसके फीचर्स हैं, जैसे मुझे मान लो कि फ़ोटोग्राफी करनी है, तो ये जो सबसे ऊपर वाला है ये फ़ोटोग्राफी के लिए। अगर मुझे टाइमर सेट करना है 2 सेकेंड का, तो बीच वाला है जहाँ पर 2 मेंशन है। अगर मुझे सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो यहाँ पर जाना है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। अब कैमरा के जो ऑप्शन है हम उसके बारे में जान लेते हैं। अगर मैं उसको फोटोग्राफी यूज़ करने वाला हूँ, राइट, अभी मेरा कैमरा वीडियो मोड पे, मैं उसको डालता हूँ ऑटो मोड पे, राइट, ये फ़ोटोग्राफ का मोड है। अगर मुझे फ़ोटोग्राफी करनी है इसके अंदर, तो मुझे फोटोग्राफी मोड के अंदर ये जो ऑप्शन है आपके टाइमर के जो सेटिंग्स हैं, ये वाला जो ऑप्शन है, ये जो की है वो दबा देना है। यहाँ पे ऑप्शन है रिमोट शूटिंग, ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब मैं यहाँ से फ़ोटो क्लिक करने वाला हूँ। मेरा जो कैमरा, ये अभी कैमरा मोड पे सबसे ऊपर वाला, ठीक है, मैं यहाँ से बटन दबाऊँगा और फ़ोटो क्लिक हो जाएगी, ये फ़ोटो क्लिक हो गई। अगर मुझे मान लो कि सेल्फ टाइमर यूज़ करना है 2 सेकेंड का, तो ये जो ऑप्शन है बीच वाला, यहाँ पर 2 मेंशन है। अब क्या होगा, मैं बटन दबाऊँगा तो इमीडिएटली फ़ोटो क्लिक नहीं होगा, फ़ोटो 2 सेकंड में बाद क्लिक होगी। ये था फोटोग्राफ के लिए। अब हम जाते हैं वीडियो के लिए। अब मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, तो कैमरा जो है मुझे उसको डालना पड़ेगा वीडियो मोड पे। जैसे मैं कैमरा वीडियो मोड पे डालता हूँ, मुझे मेन्यू के अंदर जाना है, मेन्यू के अंदर मुझे ऑप्शन आएगा, मुझे अलाउड करना है रिमोट कंट्रोल। बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से डिसेबल होता है, आपको उसको एनेबल करना पड़ेगा। जैसे आपने उसको एनेबल कर लिया रिमोट को, ओके, अब ये जो रिमोट है मैं उसको डाल दूंगा वीडियो मोड पे, जो यहाँ पे सबसे लास्ट। अब मैं ये बटन दबाऊंगा यहाँ से और मेरी वीडियो चालू हो जाएगी, ओके। तो आप देख सकते हैं, अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आप उसको कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो रिमोट है, ठीक है, मैं उसको यहाँ पे अटैच करूँगा ऐसे, ये उसका माइक्रोफोन है, मैं उसको यहाँ पे अटैच करूँगा ऐसे। इसकी जो माइक की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, और ये जो कैमरा है G7X Mark III, इसमें माइक का इनपुट भी है। यहाँ पर माइक को ऐड कर देता हूँ ऐसे, पहले मैं इसको लगा लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, फिट हो गया। अब मैं कैमरा को यहाँ पर माउंट करने वाला हूँ, कैमरा माउंट कर लिया मैंने, यहाँ मैं उसको फिट कर देता हूँ यहाँ से। तो अभी मेरा कैमरा यहाँ से हो गया फिट। अब ये जो माइक की पिन है यहाँ पे उसको अटैच कर देता हूँ, ये हो गया अटैच। अब मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ फॉर ऑडियो रेफरेंस पर्पस, ओके। अब मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, मैं एक ब्लॉगर हूँ, तो मुझे यहाँ पे बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हाथ में ये ग्रिप है, यहाँ से बटन दबाऊँगा मेरी जो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। मुझे स्टॉप करना है, वापस से वही बटन दबाऊँगा मेरी वीडियो स्टॉप हो जाएगी, राइट।
तो ये था मतलब कि एक वीडियो जो मैं आपको एक मैसेज देना चाहता था वीडियो के बारे में, एक कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो के बारे में कुछ ज़्यादा जानना है तो एक डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप उसको देख लेना वापिस एक बार। स्टार्ट, स्टॉप, ओके। अब मेरे पास ये जो कैमरा है कैनन का डिजिटल कैमरा है, तो मान लो कि मैं इसे जूम इन जूम आउट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे जो तो बटन है जूम इन जूम आउट करने के, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको जूम इन जूम आउट करूँगा तो मेरा जो लेंस है वो आगे पीछे होगा और मेरा जो व्यू है वो आगे आएगा। तो एक आपको एडिशनल फीचर्स मिलेगा ये रिमोट के थ्रू, WT वाइड एंड टैली। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।